इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और आइटम्स यूज। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए, उम्मीद करता हूँ वो सभी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर वन है, इन हायर परचेज सिस्टम बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट द परचेजर कैन। तो हायर परचेज सिस्टम में पूरी पेमेंट बन यानी कि लास्ट जो उसकी इंस्टॉलमेंट है उसको करने से पहले जो परचेजर है वो कर सकता है क्या, यूज द एसेट इन प्रॉपर कंडीशन, सेल द एसेट, डिस्ट्रॉय द एसेट या फिर मॉर्टगेज द एसेट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूज द एसेट इन प्रॉपर कंडीशन। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो भी उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसको पे करने से पहले जो परचेजर है वो उस जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा उसको प्रॉपर कंडीशन में यूज कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हायर परचेजर प्राइस इज इक्वल टू, जो हायर परचेजर प्राइस है वो इक्वल होगा किसके, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ठीक है, एक तो वो कुछ रुपए देगा, ठीक है, जो कि कैश प्राइस हो गया, उसमें वो कुछ इंटरेस्ट भी देगा जो आउटस्टैंडिंग कैश वो जो अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने इंटरेस्ट पे खरीदी तो पहले हम उसको कुछ डाउन पेमेंट देंगे, कुछ पैसे पहले दे देंगे, फिर जो बाकी का अमाउंट बचा हुआ है वो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे प्लस वो अमाउंट भी देंगे। ठीक है, तो कैश प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इज इक्वल टू हायर परचेजर प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन हायर परचेज सिस्टम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हायर परचेज सिस्टम में अगर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या बेस है, कैश वैल्यू ऑफ द एसेट, हायर परचेज वैल्यू ऑफ द एसेट बोथ ए एंड बी या फिर कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैश वैल्यू ऑफ द एसेट। तो पहले उस जो भी एसेट है, जो भी वो पर्टिकुलर गुड है, उसका कैश वैल्यू क्या है वो हमें पता होना चाहिए, वही उसका बेस होगा, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं उसको जानने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे इन हायर परचेज सिस्टम नेट हायर परचेज चार्जेस कम्स अंडर सेक्शन। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो नेट हायर परचेज चार्जेस हैं वो आते हैं किस सेक्शन के अंडर, ठीक है, सेक्शन ए 1D, सेक्शन 81E, सेक्शन 81F या फिर सेक्शन 81G। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्शन 81D के अंदर हायर परचेज सिस्टम में नेट हायर परचेज चार्जेस आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अगेन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस कम्स अंडर। अब वो जो कैश प्राइस है, जो भी एक पर्टिकुलर गुड का जो भी कैश हम देने वाले हैं, जो भी कैश प्राइस हम देने वाले हैं, वो किस किस एक्ट के अंदर आएगा, सेक्शन 41A, सेक्शन 41B, सेक्शन 41C या फिर सेक्शन 41D। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 41B। ठीक है, तो जो कैश प्राइस हम हायर परचेज सिस्टम में देने वाले हैं वो आएगा किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 41B के अंदर। ठीक है, और वैसे ही इससे पहले वाला क्वेश्चन था, हायर परचेज सिस्टम के अंदर ही जो नेट हायर परचेज चार्ज होंगे वो हमारे किस सेक्शन में आएंगे, सेक्शन 81D के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। तो जो अमाउंट हम जो भी जिससे भी हम कोई गुड खरीद रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको हम दे रहे हैं, कब, जब वो हायर परचेज सिस्टम एग्रीमेंट हुआ, मतलब कि हम कोई गुड खरीदने गए उसको हमें कुछ रुपए देने हैं। ठीक है, वो जो ईएमआई हम देते हैं उसका सबसे पहले कुछ जो हम चार्ज देते हैं, जो अमाउंट देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट, कैश प्राइस या फिर हायर परचेज प्राइस। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, डाउन पेमेंट। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डाउन पेमेंट, जो रुपए हम, मतलब हमने पूरे रुपए नहीं दिए उस जो भी गुड हमने खरीदा, लेकिन उसका कुछ पार्ट हमने दे दिया, बाकी का जो अमाउंट है वो हम इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो वो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हो गई जो हम बाद में देंगे, और जो हमने उस एग्रीमेंट के समय दिया, ठीक है, जो अमाउंट हमने दिया उसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, और नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको पता चल गई, राइट। आगे इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज। हायर परचेज सिस्टम में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स या फिर हायर परचेज चार्जेस। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। तो उसको हम बोलेंगे जो कैश और हमारा इंटरेस्ट है मिलके क्या बनेंगे, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट। ठीक है, ये एक्चुअल वो अमाउंट होगा जो हम उस एसेट पर दे रहे हैं, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो, प्लस हमने वो जो डाउन पेमेंट करके इंस्टॉलमेंट्स में उसको खरीदा है, वो करने के बाद जो हमें सुविधा मिल रही है उस पर हम कुछ चार्जेस भी देंगे, कुछ इंटरेस्ट देंगे, तो वो सब हमारा कहलाएगा हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है, अगला है, डेप्रिसिएशन ऑन हायर परचेज एसेट इज क्लेम्ड बाय। जो डेप्रिसिएशन है हायर परचेज एसेट पर वो क्लेम कर सकता है कौन, या फिर किसके थ्रू वो क्लेम होगा, वेंडर के थ्रू, हायर परचेजर के थ्रू, बायर के थ्रू या फिर सेलर के थ्रू। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हायर परचेजर। ठीक है, जिसने वो गुड खरीदा है हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, हायर परचेजर, राइट। नेक्स्ट है, हायर परचेज एक्ट एनेक्टेड इन द ईयर।
जो हायर परचेज एक्ट है वो शुरू हुआ कब या फिर लागू हुआ, हम कुछ भी कह सकते हैं, 1971, 1972, 1973 या फिर 1974। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1972 में इनएक्ट हुआ हायर परचेज एक्ट। ठीक है, तो 1972 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर परचेज एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। अब ये जो हायर परचेज एक्ट था शुरू तो वो 1972 में हो गया, लेकिन वो इफेक्ट उसने कब दिखाया, वो इस तरीके से कब लागू हुआ कि उसका इफेक्ट भी दिखा। 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1973, 1 सितंबर 1974 या फिर अगेन 1 सितंबर 1975। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 सितंबर 1973 से जो हायर परचेज एक्ट है वो इफेक्ट उसका दिखा और वो इस तरीके से लागू हुआ और आगे वर्किंग में आया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन तरफ, इन हायर परचेज सिस्टम हायर परचेज प्राइस कम्स अंडर सेक्शन, तो कौन से सेक्शन में आ रहा है हमारा हायर परचेज प्राइस हायर परचेज सिस्टम के तहत? सेक्शन 2D, सेक्शन 3D, सेक्शन 4D या फिर सेक्शन 5D? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्शन 2D। ठीक है, तो जो हायर परचेज प्राइस होगा वो किस सेक्शन के अंडर आएगा हमारा? सेक्शन 2D के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन हायर परचेज सिस्टम नेट हायर परचेज प्राइस कम्स अंडर सेक्शन। ध्यान देना, पीछे जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर कहा गया नेट हायर परचेज प्राइस और पीछे था नेट हायर परचेज चार्जेस। ठीक है, तो डिफरेंस है, चार्जेस और प्राइस दोनों चीज़ें अलग है। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर नेट हायर परचेज प्राइस किस सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 81E, सेक्शन 82E, सेक्शन 83E या फिर सेक्शन 84E? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेक्शन 81E। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 81E। राइट, आगे है नेट हायर परचेज प्राइस एक्सक्लूडेड। नेट हायर परचेज प्राइस में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं होती, या फिर कह सकते हैं कि क्या चीज एक्सक्लूडेड होती है। एक्सक्लूडेड का मतलब हो गया कि वो चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, इसमें शामिल नहीं होती। क्या? डिलीवरी एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस या फिर ऑल ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेट हायर परचेज प्राइस में ये सभी चीजें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, एक्सक्लूडेड होती हैं। एक्सक्लूडेड मतलब नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। राइट, आगे बढ़ते हैं, इन हायर परचेज द बायर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन। हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो बायर है, जिसने वो गुड खरीदा था, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा किस पर? हायर परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, कैश प्राइस ऑफ द एसेट, लोअर ऑफ द अबव ए एंड बी या फिर हायर ऑफ द अबव ए एंड बी? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैश प्राइस ऑफ द एसेट। तो अंडर हायर परचेज सिस्टम जो भी बायर होगा वो उस एसेट के जो भी कैश प्राइस रहा होगा उस पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कैश प्राइस ऑफ द एसेट। ठीक है, आगे है द पर्सन हु ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द ओनर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। तो वो पर्सन जिसने डिलीवरी ली है उस गुड की जो भी वो लेना चाह रहा था, किससे लेगा? ऑब्वियसली बात है, ओनर से, अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेजर, हायरर, वेंडर या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, हायरर। ठीक है, तो जो पर्सन, जिस पर्सन ने ओनर से एक गुड खरीदा है, ठीक है, जो भी वो खरीदना चाहता था हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत, तो उसको हम बोलेंगे हायरर। ठीक है, तो ऑप्शन बी, हायरर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इन हायर परचेज द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी चार्ज शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर मैक्सिमम स्टैट्यूटरी चार्ज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का, 20%, 30%, 40% या फिर 50%? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30%। ठीक है, तो इस परचेज सिस्टम के अंदर 30% से ज्यादा चार्ज जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, जो भी इंस्टॉलमेंट उनको पे करनी है उस पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 30%। राइट, तो ये थे कुछ और आई के एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इसी तरह से आई के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।